सांसद सुरेश कश्यप को बीजेपी ने दूसरी बार प्रत्याशी बनाया है। उधर दूसरी बार प्रत्याशी बनने पर सुरेश कश्यप भी खासे उत्साहित में दिखे और उन्होंने बीजेपी हाईकमान का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि शिमला संसदीय सीट पर बीजेपी की लगातार चौथी जीत का चौका लगाने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी हाईकमान ने जो विश्वास उन पर जताया है उस पर वह खरे उतरेंगे और शिमला संसदीय सीट को जीतेंगे और केंद्र में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई जाएगी। सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, सम्माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी और प्रदेश के समस्त नेतृत्व का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने दूसरी बार मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया, जिन्होंने दूसरी बार मुझे शिमला संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी बनाया। और मैं अपने शीर्ष नेतृत्व को आश्वस्त भी करना चाहूँगा कि जो विश्वास केंद्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश के नेतृत्व ने मुझ पर किया है, मैं उस पर खरा उतरूंगा। पार्टी ने जो भी आदेश दिया है सदा ही उसका सम्मान करते हुए, और पार्टी का मैं आभार भी प्रकट करता हूँ कि पार्टी ने बहुत सारा विश्वास मेरे ऊपर प्रकट किया, मुझे दो बार विधायक बनाया, सांसद बनाया, प्रदेश का अध्यक्ष बनाया और फिर अब दूसरी बार सांसद का प्रत्याशी बनाया है। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश के नेतृत्व का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। साथ ही जिन कार्यकर्ताओं का प्यार और जिनका आशीर्वाद निरंतर मेरे साथ बना हुआ है, बना रहा है, उनका भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। निश्चित रूप से दूसरी बार शिमला संसदीय क्षेत्र में जीत हासिल करेंगे, साथ ही साथ इस बार जीत का चौका भी लगेगा क्योंकि तीन बार भारतीय जनता पार्टी लगातार इस सीट को जीत चुकी है और ये चौथा मौका है जब भारतीय जनता पार्टी जीत का चौका लगाएगी और चौथी बार इस सीट को भारतीय जनता पार्टी को जीतकर मोदी जी की झोली में डालेंगे और मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री